महाराष्ट्र के मुंबई राजभवन में देश के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर भोजपुरी पंचायत की ओर से आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति सम्मान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विश्वश्राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कर कमलों द्वारा समाज सेवा पुरस्कार से सम्मान हुआ। लाल बाबू गुप्ता पिंपरी चिंचोड़ के उद्योजक, वरिष्ठ समाज सेवक और देश भर में कार्यान्वित विश्वश्राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और VSRS न्यूज अखबार के प्रधान संपादक हैं। इनके अलावा मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण, लाल बाबू गुप्ता समेत विभिन्न क्षेत्रों की कई जानी मानी हस्तियां डॉक्टर आजम बंदर खान, अभय सिन्हा, प्रोफेसर जयकांत सिंह, आनंद सिंह, अंजना सिंह, लोकेश सोनी, अमरजीत मिश्रा व रत्नाकर कुमार का सम्मान हुआ। कार्यक्रम मुंबई राजभवन में सम्पन्न हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर भोजपुरी पंचायत द्वारा राजभवन में भोजपुरी दिवस और राजेंद्र प्रसाद जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्श्व गायक उदित नारायण, अभियान संस्था के अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा, भोजपुरी पंचायत के संपादक कुलदीप श्रीवास्तव, प्रोफेसर जयकांत सिंह सहित भोजपुरी साहित्य, सिनेमा व समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों के मान्यवर उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जी का पुण्य स्मरण करते हुए यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो आदर्श हमारे सामने रखे हैं, उन आदर्शों का हम स्मरण करें और उन आदर्शों को स्मरण करते हुए अभी भारत में भी ऐसे ही महाविद्वान, श्रद्धावान, संघर्षवान, देशभक्ति से परिपूर्ण, भारतीय संस्कृति और अपनी मातृभाषा के लिए समर्पित ऐसे राजेंद्र बाबू जैसे लोगों का जन्म समय समय पर इस भारत में होता है। हिंदी पोस्ट में, कुमाऊनी पोस्ट में, भोजपुरी, मैथिली ऐसे अगर लिखा जाए तो एक प्रकार से माँ की भी और सम्मान हो जाए और माँ की बहन का भी सम्मान हो जाए। भोजपुरी दिवस के शुभकामना आप सबके और हमारा सबके गर्व के बिहार के फर्स्ट हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनन आदरणीय ऑनरेबल डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी, जोरदार ताली। बस बोले सुनावा तानी कहे कि महामहिम साहब के टाइम बड़ा वैल्यूबल बा। का बतलाई दिल के हलिया ठड़केला तोरे नाम से, भगवान बनाओ ले पाड़े तोरा के बड़ी आराम से। सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिरके आए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। अपनी भाषा को कैसे देश भर में लोग याद करें उसके लिए प्रयत्न भी किया और इसके लिए दुनिया भर में जो किरमिटिया मजदूर गए, मॉरिशस गए, फिजी गए, गयाना गए, अफ्रीका गए, लेकिन आज भी वो अपनी भाषा में बात करते हैं। मॉरिशस में संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा है भोजपुरी। रेडियो पर भी भोजपुरी में बात करते हुए लोग सुनाई देते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में उतना भोजपुरी का चलन नहीं रहा जितना मॉरिशस में है, सुरीनाम में है। और
ये आज इसलिए हम लोग डॉक्टर राजेंद्र बाबू के स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान है उस पर उनको नमन करते हैं। अपनी भाषा के प्रति उनका अगाध प्रेम था, विश्वास था, उसके लिए भी पूरी दुनिया के लोग आज भोजपुरी दिवस मना रहे हैं। मैं बहुत विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में भोजपुरी की फिल्मों का एक दौर फिर आए, जो गंगा मैया रहे मेरी चढ़े हो के समकक्ष ऐसी फिल्में का निर्माण हो, और आप सब जिनका सम्मान होना है आप सबको साधुवाद। आज तो हम भोजपुरी वासियों के लिए सबसे खुशी का दिन है, आज भोजपुरी दिवस है, और साथ ही में राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, जो कि पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, और उनके भोजपुरी दिवस के दरमियान यहाँ पे जो 11 लोग होते हैं जिनको चुन के राजेंद्र प्रसाद जी के सम्मान से सम्मानित किया जाता है, और ये भोजपुरी में के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजभवन में महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा हम 11 लोग जो चुने गए उनको सम्मान दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ राज्यपाल जी का, और हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं भोजपुरी पंचायत के जो डायरेक्टर हैं कुलदीप श्रीवास्तव जी का और अमरजीत मिश्रा जी का। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज़, मुंबई, महाराष्ट्र।